तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपकी अपने YouTube चैनल कृष्णा फैंटेसी में। एंड आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ मेजर लीग क्रिकेट T20 की एक नई वीडियो। दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच में पहला मैच है, किसी भी अपोनेंट को नहीं पता किसी प्लेयर के बारे में, कौन कहाँ बैटिंग करेगा, बॉलिंग करेगा, क्या उनकी स्टेट्स है, मैं आपको सब बताऊँगा। और आज मॉर्निंग वाला जो मैच था वो भी हमने वन साइडेडली विन कर लिया और अब इस मैच को भी हम पूरी तरीके से विन करेंगे। दोस्तों तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, काफ़ी इसमें जो है ट्रंप प्लेयर होने वाले जो आसानी से हमें ग्रैंड लीग भी क्रैक करवा के दे सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमारे टेलीग्राम चैनल के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है त्यागी, आप देख सकते हो। दोस्तों इस मैच की जो फाइनल टीम होने वाली है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो सबसे पहले आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। इस मैच की स्मॉल लीग टीम्स तो मैं आपको दूंगा ही दूंगा, साथ ही साथ में ग्रैंड लीग टीम भी दूंगा और वो ग्रैंड लीग टीम आपको टेलीग्राम पे ही मिलने वाली है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ टेलीग्राम से जुड़ जाना। बाकी आप अब देख सकते हो अभी तक मैंने 25 बार जो है ग्रैंड लीग विन करी और फैंटेसी में 10 करोड़ से ज़्यादा मैंने अर्न कर लिया। ये सब आप भी कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ कर। दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पे मुझे 20,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री मिली हुई है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। भाई ये फ्री एंट्री आपको भी मिल सकती है। कैसे मिलेगी? सिंपली आपको कुछ नहीं करना, माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है। आप में से काफ़ी भाइयों को पता होगा कि अगर आप माई फैव 11 ऐप को फर्स्ट टाइम डाउनलोड करके रजिस्टर करते हो तो माई फैव 11 आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री देता है स्मॉल लीग हेड टू हेड में। तो बस माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो जल्दी से आइए, लिंक पे क्लिक करिए और माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो, फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो। ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो। सबसे पहले माई फैव 11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो दोस्तों अब बात करें हमारी टीम के बारे में इस मैच की। तो देखो सबसे पहले तो मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, जो नए भाई है हमारे यूट्यूब चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। देखो यार बहुत मेहनत लगती है हर प्लेयर की स्टेट्स निकालने में और सुबह वाले मैच में भी मैंने आपको वन साइडेडली विन करवाया और इस वाले में भी पूरी कोशिश रहेगी मेरी आपको विन करवाने की। तो यार कम से कम एक छोटा सपोर्ट तो कर सकते हो, कोई पैसा थोड़ी लग रहा है मेरे भाई। तो चैनल को एक बार सभी सब्सक्राइब कर लो, जितने भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं सभी के सभी सब्सक्राइब कर लेना। दोस्तों एक छोटा सा काम आप कर सकते हैं। चलिए अब बात करें हमारी टीम के बारे में। विकेट कीपर में आपके पास निकोलस पूरन का ऑप्शन होने वाला है। निकोलस पूरन जो है आपको नंबर 4 बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। मैथ्यू वेड जो है आपको ओपन करते हुए नजर आने वाले, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखते हुए चलना है। बाकी इनके अलावा मुझे ज़्यादा लगता नहीं है किसी को यहाँ से मौका मिलने वाला है विकेट कीपर से, कोई खास ऑप्शन नहीं है यहाँ पे जो खेल सकते हैं। दोस्तों एक प्लेयर मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा जो मुझे लग रहा है खेलेंगे, वो एस पटेल आपको खेलते हुए नजर आ सकते हो, ये खेलेंगे तो नंबर 3 खेलते हैं। चलिए अब डिटेल्स के बारे में बात करें। निकोलस पूरन नंबर 4 खेलेंगे, मस्ट ऑप्शन हो जाते हैं, आप बिल्कुल इनको अपनी टीम में रख सकते हो। रिसेंट की परफॉर्मेंस इनकी वैसे अच्छी रही थी, जो अभी वनडे जो है क्वालिफायर मैचेस जो इन्होंने खेले थे लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं पूरन के बारे में बात करूं दोस्तों, तो उसमें इन्होंने तकरीबन 180 के आसपास रन कर रहे थे इन्होंने और एक शतक भी लगाया था। तो परफॉर्म आपको करके दे सकते हैं और वैसे भी T20 में तो बल्ला बोलता ही है। मैथ्यू वेड ओपन करेंगे, शानदार ओपनर है और ये जिनके साथ ओपन करेंगे एरन फिंच के साथ करेंगे, तो इनकी पार्टनरशिप अच्छी आपको देखने को मिल सकती है। तो मुझे लगता है मैथ्यू वेड अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं। रीसेंट के 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूं दोस्तों परफॉर्मेंस के बारे में, तो ठीक ठाक परफॉर्मेंस रहा है रीसेंट के 5 मैचेस में, तकरीबन इन्होंने 140 रन के आसपास करे, तो मुझे लगता है आप इनको लेके चल सकते हो। बाकी जैसा मैंने आपको बताया एस पटेल आपको खेलते हुए नजर आएंगे और ये खेलेंगे तो फिर वन डाउन नंबर 3 के आसपास ही खेलते। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें लास्ट 5 मैचेस के, इनके किस टाइप का परफॉर्मेंस रहा है, तो लास्ट 5 मैचेस में तकरीबन 120 रन के आसपास इन्होंने करे। देखो ग्रैंड लीग खेल रहे हो ना, तो इस बंदे पे फोकस करना, ये आपके लिए ट्रंप बन सकता है। फिलहाल 2 हमारे विकेटकीपर रहने वाले, दोनों ही अच्छे हैं। बैटिंग में अगर मैं बात करूं एरन फिंच का आपके पास ऑप्शन होने वाला है। सबसे पहले बता देता हूं फिंच आपको ओपन करते हुए नजर आने वाले इस मैच में दोस्तों। और अगर मैं परफॉर्मेंस भी बताऊं फिंच की, तो यार देखो रीसेंट इतना कुछ खास रहा नहीं है, आपको पता है इनकी फॉर्म इतनी अच्छी नहीं रहती, जब चलते बड़े प्लेयर चलेंगे तो लंबी पारी खेल सकते वरना जल्दी आउट हो सकते। रीसेंट जो इन्होंने डोमेस्टिक वगैरह खेले लास्ट 5 मैचेस अगर मैं मिला के बताऊँ, तो उसमें इन्होंने 130 रन के आसपास करे, अगर आप चाहो तो इनको ट्राई कर सकते हो। बाकी कायरन पोलार्ड हार्ड हिटर बैट्समैन है, अकेले दम पे विन करवाने की कोशिश करता है और कामयाब भी हो सकते हैं अगर टीम कोलैप्स करती है।
नंबर 5 आपको जो है ये खेलते हुए नज़र आने वाले, अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो आपके लिए मस्त ऑप्शन है, जब तो आपको रखना ही रखना है इनको। अगर मैं लास्ट 5 मैचेस के बारे में इनके बात करूँ किस टाइप का परफॉर्मेंस है, तो 140 रन के आसपास इन्होंने लास्ट 5 मैचेस में करे, तो मुझे लगता है आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हो, एक अच्छे ऑप्शन आपके लिए बन सकते हैं। वहीं दोस्तों टिम डेविड का आपके पास ऑप्शन होने वाला है, टिम डेविड आपको नंबर 6 बैटिंग करते हुए नजर आएंगे। देखो अगर इनकी टीम पहले बैटिंग करती है तो ये अच्छे ऑप्शन है, पहले बॉलिंग करती है तो आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो। अगर पहले बैटिंग कर रही है तो रख सकते हो और बॉलिंग कर रही तो ड्रॉप कर सकते हो, लेकिन अगर फिर भी रखना चाहते हो पहले बॉलिंग में तो आपको क्या करना है, इनकी टीम के टॉप ऑर्डर जैसे ओपनर हो गए या फिर नंबर 3 वाले प्लेयर, उनको ड्रॉप कर देना है। बाकी कॉरी एंडरसन आपको इस मैच में खेलते हुए नजर आने वाले, ये बैटिंग में बंदा दिया हुआ है, वैसे ये बॉलिंग भी करवा के आपको दे सकता है। नंबर 6 आपको बैटिंग करते हुए नजर आने वाला है, क्योंकि रीसेंट जो इन्होंने टूर्नामेंट खेले थे उसमें बॉलिंग करी थी, रीसेंट के 3 मैचेस में इन्होंने तकरीबन 70 रन करे थे और उसमें 3 विकेट भी निकाले थे, तो आपके लिए गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, तो आप इनके ऊपर जो है फोकस कर सकते हो। बाकी यहां से अगर मैं बात करूं ब्रेविस के बारे में, ये बंदा आपको ओपन करते हुए नजर आने वाला है, अच्छा प्लेयर है साउथ अफ्रीका का, रीसेंट के 5 मैचेस में गजब की परफॉर्मेंस रही है, तकरीबन 220 रन के आसपास करे और बॉलिंग भी करवा के देते, तो आप इनको अपनी टीम में लेके चल सकते हैं। बाकी अगर यहाँ से हम किसी और के बारे में बात करें दोस्तों, कोई इतने खास ऑप्शन नहीं है जो आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं, तो 2 हमारे बैट्समैन फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ, आप चाहे तो एंडरसन को भी रख सकते हैं। ऑलराउंडर के बारे में बात करें, शादाब खान मस्त ऑप्शन है। क्यों मस्त ऑप्शन है, ये बंदा एक तो नंबर 6 पे बैटिंग करेगा प्लस 4 ओवर आपको बॉलिंग भी डाल के देता है, पहले बैटिंग करती है इनकी टीम तो कैप्टन वाइस कैप्टन कर सकते हो, फिलहाल मैं लेके चल रहा हूँ। स्टॉइनिस आपको नंबर 4 पे ही खेलते हुए नजर आ जाएंगे, ज़्यादा आपको नीचे नहीं नज़र आ सकते, नंबर 4 खेलेंगे, प्लेयर अच्छा है, हार्ड हिटर बैट्समैन है। लास्ट 5 मैचेस के बारे में अगर मैं बात करूँ परफॉर्मेंस तो इन्होंने कराए, तकरीबन 160 रन से ज़्यादा इन्होंने करे थे, बॉलिंग ये करवाते नहीं है इतनी, लेकिन बैटिंग से अच्छा कर सकते। देखिए राशिद खान के बारे में बात करूँ, लोगों ने ले रखा है, लेकिन अभी अफगानिस्तान और बांग्लादेश के बीच T20 सीरीज अभी चली रही है, अभी तो फर्स्ट T20 है, तो ये आपको इस मैच में खेलते हुए नहीं नज़र आने वाले। बाकी डेविड वीजे के बारे में अगर मैं बात करूँ किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस रहता है, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों। डेविड वीजे का मुझे थोड़ा सा रिस्की लग रहा है दोस्तों, शायद इनको इतना मौका ना मिले, आपको जो है बेंच पे नज़र आ सकते हैं, शायद मुझे लग रहा है डेविड वीजे नहीं खेलेंगे। बाकी खेलते तो पहले इनकी टीम बैटिंग करे तो ज़्यादा अच्छे ऑप्शन होने वाले, पहले बॉलिंग में आप इनको ड्रॉप करके चल सकते हो, ठीक है। बाकी मुझे डाउटफुल लग रहे हैं। बाकी इस मैच में जो गेम चेंजर होने वाले वो टेलर होने वाले, ये बंदा आपको ओपन करते हुए नज़र आने वाला है, इस चीज़ को ध्यान में रखना, और साथ ही साथ में ये बॉलिंग भी करवाता है और काफ़ी अच्छा प्लेयर है। लास्ट 5 मैचेस के बारे में मैं बात करूँ तो 60 रन के आसपास इन्होंने करे और बॉलिंग से तकरीबन 4 विकेट इन्होंने निकाले, लेकिन ये बंदा आपके लिए गेम चेंजर इस मैच में बन सकता है, इसलिए मैं इनको अपनी टीम में लेके चल रहा हूँ। टी सिंह आपको नज़र आ सकते हैं। परफॉर्मेंस के बारे में बात करें किस टाइप का इनका परफॉर्मेंस है, लास्ट 5 मैचेस में इतना कुछ खास नहीं करा, बॉलिंग वैसे करवा सकते हैं, कभी कभी ओवर कट भी हो जाते। बाकी अगर किसी और के बारे में बात करें जो यहाँ से आपके लिए एक अच्छे ऑप्शन होने वाले, आज़म आपको नज़र आ सकते हैं दोस्तों। आज़म के बारे में अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ किस टाइप का परफॉर्मेंस है, रीसेंट के 3 मैचेस में 37 रन इन्होंने करे प्लस 2 विकेट निकाले, ट्राई कर सकते हो, पहले बैटिंग में आपके लिए अच्छे ऑप्शन हो सकते हैं, सेकेंड इनिंग्स में मुझे नहीं लगता इतना आपके लिए जो है फ़र्क पड़ने वाला है दोस्तों, इस चीज़ को ध्यान में रखना। बिश्नोई आपको खेलते हुए नज़र आ सकते हैं इस मैच में। परफॉर्मेंस के बारे में अगर मैं बात करूं रीसेंट के 5 मैच के बारे में, तो 5 तो नहीं बोलूँगा, 3 मैच ही आपको मैं बता पाऊँगा, उसमें इन्होंने तकरीबन 130 रन करे, प्लस ये बंदा बॉलिंग भी करवा के दे सकता है, बैटिंग ऑर्डर थोड़ा सा नीचे नज़र आ सकता है, पहले बैटिंग करे तो आप रख सकते हो, बाकी 3 आपके लिए बेस्ट ऑलराउंडर हो जाते हैं। बॉलिंग के बारे में बात करें जो आपको नज़र आने वाले, हैरी श्रॉफ नज़र आ जाएंगे, ट्रेंट बोल्ट नज़र आ जाएंगे। हरी श्रॉफ मिडिल ओवर्स और डेथ में बॉलिंग करवाएंगे, ट्रेंट बोल्ट ओपन और डेथ में बॉलिंग करवाएंगे, बॉलर दोनों ही अच्छे हैं, दोनों को रख सकते हो और दोनों में से जिसकी टीम पहले बॉलिंग कर रही है उसको आप कैप्टन वाइस कैप्टन भी कर सकते हो दोस्तों। बाकी अगर लुंगी एनगिडी के बारे में बात करें, ओपन और डेथ में आपको बॉलिंग करवाते हुए नजर आने वाले, लुंगी एनगिडी को भी आप अपनी टीम में रख सकते हो। कगिसो रवाड़ा मुझे थोड़े से यहाँ से वैसे तो आ जाएंगे आपको खेलते हुए नज़र, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ी सी रीसेंट की फॉर्म अगर मैं बात करूँ ना तो थोड़ी डाउन हुई है यार, इस चीज़ को ध्यान में रखना। लास्ट 5 मैचेस के बारे में बात करूँ तो 6 विकेट इन्होंने निकाले, बाकी तो बड़े प्लेयर है दोस्तों, ज़्यादा आप उम्मीद कर सकते हो इनसे। बाकी अगर यहाँ से किसी और के बारे में बात करें जो आपको खेलते हुए नज़र आने वाले, मुझे ज़्यादा ऑप्शन नहीं नज़र आते,
प्लंकेट जरूर आपको नज़र आ सकते हैं, ये प्लेयर खेल सकता है। प्लंकेट के परफॉर्मेंस के बारे में बात करें, रीसेंट के बारे में, ये एक ऐसा बॉलर है दोस्तों जो थोड़ी सी पिटाई खाता है लेकिन विकेट निकाल के दे सकता है। लास्ट 5 मैचेस में 5 विकेट इन्होंने निकाले, पिटाई हो सकती है इनकी लेकिन आखिरकार आपको एंड में एक विकेट समथिंग तो निकाल के दे ही देंगे। बाकी यहाँ से कोई खास ऑप्शन मुझे लग नहीं रहा, खेलते हुए नज़र आएंगे। आदिल आपको नज़र आ सकते हैं, आदिल के परफॉर्मेंस के बारे में बात करी, ई आदिल किस टाइप का इनका रीसेंट का परफॉर्मेंस है दोस्तों, जो लास्ट अगर कुछ मैचेस के बारे में बात करूँ 5 मैचेस में तो 5 ही विकेट इन्होंने निकाले। फिलहाल मैं बात करूँ रॉफ, बोल्ट, एनगिडी और रबाडा, 4 हमारे बॉलर रहेंगे। कैप्टन वाइस कैप्टन के बारे में बात करूँ, देखो दुनिया मार्कर स्टॉइनिस को कर रही है लेकिन मैं नहीं बोलूँगा क्योंकि ये बॉलिंग शायद ना करवाते हुए आपको नज़र आए। शादाब खान एक अच्छे ऑप्शन है, ब्रेविस एक अच्छे ऑप्शन है, दोनों बैटिंग और बॉलिंग आपको करके दे सकते हैं। कैप्टन मेरे शादाब रहेंगे, ब्रेविस वाइस कैप्टन, बाकी पूरन के साथ आप जा सकते हैं। और बॉलिंग में रॉफ और बोल्ट जिसकी टीम पहले बॉलिंग करे आप उसको कर सकते हो, ग्रैंड लीग में स्टीवन टेलर को जरूर कर देना। फिलहाल ये हमारी टीम का प्रीव्यू आप देख सकते हो, आप हमारी इस टीम के साथ कॉन्टेस्ट ज्वाइन कर सकते हो, फाइनल टीम टेलीग्राम पे मिल जाएगी, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पे क्लिक करिए और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों अगर आपको 20,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में, 10,000 रुपये की फ्री एंट्री चाहिए स्मॉल लीग हेड टू हेड में तो कुछ नहीं करना, सिंपल सबसे पहले MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में दिया हुआ है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पे क्लिक करिए और MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। अगर आप लॉस में चल रहे हो फ्री में 20,000 विन करके पूरा लॉस कवर कर सकते हो, ऑलरेडी प्रॉफिट में हो तो फ्री में 20,000 विन करके और भी ज़्यादा प्रॉफिट बना सकते हो, सबसे पहले MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लेना है, लिंक इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में और डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जल्दी से आइए लिंक पे क्लिक करिए और MyFab11 ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। चलिए दोस्तों मिलते हैं मैच टाइम टेलीग्राम चैनल पे, टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा और मैच टाइम एक्टिव रहिएगा।